पशुपालन व डेयरिंग विभाग द्वारा 39वां राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 13 मार्च तक चरखी दादरी में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखदेव राठी को नियुक्त किया गया है। भिवानी के पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जसवंत ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के उत्तम नस्ल के 50 कैटेगरी के पशु हिस्सा लेंगे। इस प्रदर्शनी में लगभग 12,000 पशु व 40,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला के सभी पशु चिकित्सकों को अपने क्षेत्र में उत्तम नस्ल के पशुओं को छांटने की जिम्मेवारी सौंपी जा चुकी है, जिसके बाद उत्तम पशुओं का चयन उपमंडलाधिकारी व उपनिदेशक द्वारा किया जाएगा। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय ने बताया कि उत्तम पशुओं के कान में 12 अंकों का टैग होना जरूरी है और सभी पशुपालकों की फैमिली आईडी भी बनी होनी चाहिए। उन्होंने बताया, उत्तम नस्ल के पशुपालक अपने पशु चिकित्सकों के पास अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। इस बारे में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। 39वीं पशु प्रदर्शनी का आयोजन चरखी दादरी में किया जाएगा। यह मिनी शेडेड के पास इसमें पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुखदेव सिंह राठी को बनाया गया है, जबकि उपनिदेशक डॉक्टर जसवंत जून, जो चरखी दादरी व भिवानी दोनों के उपनिदेशक हैं, उन्होंने इस मेले में सभी पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में उत्तम नस्ल के पशुओं का चयन करें, उसके बाद उन पशुओं को उपमंडलाधिकारी उपनिदेशक चेक करेंगे, फिर वो मेले में भेजे जाएंगे। इस प्रदर्शनी में 1200 के लगभग पशु और 40,000 के आसपास आदमी पहुंचने की उम्मीद है। यह हमारे विभाग का बहुत ही भव्य आयोजन होता है। जो लोग पशु नहीं पालते उनको भी ये मेला देखना चाहिए। आज हमने बड़ियाड़ी में भी उत्तम नस्ल के पशुओं को चेक किया और जो पशु मेले में जाएंगे उनके बारे में पशुपालकों को बताया कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, पशु के कान में 12 अंकों का टैग लगवाएं, अगर लगा हुआ है तो पहले से फिर तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लगवाएं, और साथ में फैमिली आईडी भी होनी चाहिए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो पशु प्रदर्शनी का आयोजन चरखी दादरी के अंदर 11 से 13 मार्च को किया जा रहा है, और यहाँ सर्वोदय मंच ने अपने सभी साथियों से अपील की है कि वो इस प्रदर्शनी में अवश्य भाग लें। पशुओं के लिए जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है सरकार द्वारा, ये सरकार ने हर साल लगानी चाहिए। इससे पशुओं की जो है ऊंच नस्ल के पशु तैयार करते हैं किसान, इससे किसान को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 11 मार्च से शुरू होने वाले इस प्रदेश स्तरीय पशु मेले में कई नस्लों के दुधारू पशु आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में हरियाणा के जिन पशुपालकों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो तुरंत करवाएं, ताकि आप भी इस पशु मेले में हिस्सा ले सकें। वहीं हम इस वीडियो को देखने वाले लोगों से भी अपील करते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ये जरूरी सूचना हर पशुपालक तक पहुंच सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।